वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन वालों को आवाज नहीं सर। चलो और ध्यान दीजिए आप सब लोग, आज अभी ऑनलाइन थोड़ी देर के लिए खतरा हो सकता है, बट मुझे लगता है आप इसके कुछ इफेक्ट ज्यादा नहीं है, ओमिक्रॉन है ना, तो ज्यादा कुछ आप पर इफेक्ट होने वाला नहीं। लेकिन एक काम कर लो, सब वैक्सीन ले लो, वैसे भी एक हाथ बार मतलब एग्जाम के लिए जैसे स्टूडेंट्स ने वैक्सीन ले ली बहुत सारे हैं, आप रिपीटर्स के वैसे तो वैक्सीन ले लो, प्रिकॉशंस लेनी ही है हमें सब जो गवर्नमेंट की है प्रिकॉशंस, बट आपके स्टडी में रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये बात आप याद रखो। ये ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपने घर वालों को मनाया है कि हमें एक चांस दे दो, खुद को भी ये किया है कि हमें एक चांस चाहिए, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि अब ये हो गया फिर छोड़ दो। एंड एक बात याद रखो, कोई मैंने आपको मॉर्निंग में कहा कि कोई एक हद हम टारगेट करते हैं, टारगेट रखते हैं कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है, तो इनडायरेक्टली हम उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो पहले देखते हैं, ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ये मेंटालिटी करके हम उसको उसके पीछे लग जाते हैं, तो इसके लिए तो हम पहले रेडी होना ही चाहिए, पहले रेडी आप होना ही चाहिए कि प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स आती रहेंगे, वो हमेशा आती है। एक कोई भी पर्सन कोई टारगेट करता है तो उसको डिफ्लेट करने के लिए सारी प्रॉब्लम्स बीच में आती रहती, हमें तय करना है उन प्रॉब्लम से पीछे हटना या वहां तक जाना, क्योंकि दो साल के मतलब एक साल के बाद जब आपके एग्जाम होंगे फिर से रिजल्ट आने के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं आपने क्लास किया नहीं किया, आप एमबीबीएस हुए हो या नहीं हो यही मायने रखो, ये बात अच्छी तरह से समझ लो और याद रखो। ये छोटे मोटे मतलब ऑब्स्टेकल्स आ भी जाते हैं तो उससे आपको डाइवर्ट होना नहीं है, कि आपको वो डाइवर्ट करने के लिए आते हैं, आपकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, आप उस परीक्षा ये बात याद रखो। टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, हाँ एक मिनट हाँ, और एक इंस्ट्रक्शन सुनो, अननेसेसरीली माइक जो है म्यूट अनम्यूट मत करो, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने डाउट पूछने डिफिकल्टी है आपको कोई, इन दैट केस यू कैन अनम्यूट, अदरवाइज आपको म्यूट करके रखना है माइक को आपके। अब कुछ भी हुआ सिचुएशन कुछ भी बाद में भी हम क्या करने वाले, अब टेस्ट जो है आज आपकी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की वो मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ कब है, तो उस टेस्ट में भी या तो हम कहेंगे डेली भी ग्रुप्स करके ऑफलाइन जिनको डाउट से डिफिकल्टीज है पर्टिकुलर टाइम में बुलाएंगे, ओके, और टेस्ट भी हम ऑफलाइन ही लेने वाले हैं, सिर्फ ये ग्रुप करके हम टेस्ट को बुलाने वाले हैं आपको ऑफलाइन, ओके ये याद रखो। आपने उसको टच किया है कि उसको टच करो एंड आपके फोन को रोटेट करो, स्क्रॉल करो स्क्रीन, ओके दिखाई दे रही है क्या अभी, देखो फोन दिखाई दे रहा है क्या आपको, हाँ सर दिखाई दे रही है स्क्रीन दिखाई देती है आपको, अगर आपने ऐसा रखा वर्टिकल पोजीशन में तो वो छोटी हो जाएगी। एंड दूसरी बात क्या है, ये देखो अब यहाँ पर देखो ये जो स्क्रीन स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, हाँ किसका माइंड उसको स्क्रॉल करो एंड स्क्रॉल करने के बाद उसी स्क्रीन को टच करो एंड फिर वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहो तो वो बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। कोई विदाउट नेम एंटर नहीं होना है, आपका नाम वहां पर होना चाहिए, सिर्फ दूसरा कुछ नाम रहा रेडमी और क्या क्या लिखा है, रेडमी रेडमी गैलेक्सी
अब आपका नाम डाल रहे हैं क्या फोन के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं? देखो सबको आपको क्या करना है, माइक म्यूट करके रखना है, आपके नाम से एंटर होना है, जिन्होंने दूसरे नाम दिए वहां पर रेडमी गैलेक्सी वगैरह वो बंद करना है, आपका नाम एंटर करो, नहीं तो आपको मीटिंग में से मैं निकाल दूंगा, याद रखो। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में हम बता रहे थे, थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स आते रहे, तुरंत आपको ये नहीं करना स्क्रीन गई, स्क्रीन आ गई, आवाज आ रही है, हो जाएगा, यहाँ पर मैं मॉनिटर कर रहा हूँ उसको, तो आपको तुरंत मतलब प्रॉब्लम्स रेज करने की जरूरत नहीं, वो धीरे धीरे होता जाएगा, ऐसा समझो वो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि? तो चलो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, एंड थोड़ा सा हम जब और आगे जाएंगे तो आपको उसको समराइज करेंगे तो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। पहला पार्ट मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स तो उसमें पहला पार्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। तो अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, या ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज पहले बताता हूं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहां पर चार्ज है से क्यू, this is source charge which produces electric field around it, and I am to find the intensity of electric field at this point say P due to this charge Q. क्या formula है? KQ upon R square. R is the distance of this point P from the charge Q. तो E equals to KQ upon R square. Okay? अब देखो यहां पर अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी अवे फ्रॉम द चार्ज। चार्ज अगर पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव है तो टुवर्ड्स चार्ज, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और दूसरा हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू रिंग, ऑफ कोर्स हम चार्ज बॉडी कंसिडर कर रहे हैं वहां पर, तो चार्ज रिंग है एंड सपोज उसका प्लेन है। अब वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कैसे उसका प्लेन, प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, उसको प्लेन परपेंडिकुलर मतलब एक्स एक्सिस ऐसा, एंड जो है रिंग ऐसी समझो, ये एक्स एक्सिस उसका प्लेन ऐसा परपेंडिकुलर, बराबर ऐसा नहीं है ऐसा रखेंगे। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हम उस पर कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना विच इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस रिंग, एक्स डिस्टेंस पर। मतलब आपको दिया हुआ क्या रहेगा, देखो एक्स डिस्टेंस दिया हुआ रह सकता है, और ये सपोज रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर रिंग, तो बताओ फॉर्मूला क्या है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू थ्री बाय टू, क्लियर है, ये हमने देखा था। तो यहां से आगे उस पर बेस क्वेश्चंस पूछे, सिंपल पूछे, लेकिन याद रखना हमें ये एक्सियल पॉइंट पर है। चलो और मुझे बताओ, यहां पर ही लिख देता हूं, चलो एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के लिए देख रहे हैं, सेंटर पर रिंग के ई कितना होगा, क्योंकि एक्स क्या होगा जीरो, एंड एक्स जीरो होगा तो इसलिए हम बोल सकते हैं, एक्स जीरो होगा तो इसलिए हम बोल सकते हैं ई क्या होगा जीरो, एक्स जीरो ई जीरो। ग्राफ प्लॉट किया था, देखो यहां से हमने ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन
R and E for the ring. Center पर जीरो है, सेंटर पर जीरो है. बट एक और पॉइंट बताया था कि E is maximum at. करेक्ट. X कितना होना चाहिए? प्लस और माइनस R by root 2. यहां पर मैक्सिमम. तो यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं, तो ग्राफ मतलब एक पर्टिकुलर, यहां पर मैंने ग्राफ प्लॉट करके दिया था, ये मैक्सिमम एंड ये यहां पर इस तरह से इनफिनिटी डिस्टेंस पर वो जीरो हो जाएगा उसके बाद. अब हम वही नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए ये ग्राफ ऐसा, ये जो पीक वैल्यू, ये जो मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्स उतनी यहां पर है, एंड इसके लिए हम कहेंगे ये जो डिस्टेंस है वो प्लस आर बाय रूट टू है, या यहां पर वो जो डिस्टेंस है वो माइनस आर बाय रूट टू है. तो शायद एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, ई मैक्स कितनी है, ई मैक्स कितनी है. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कैलकुलेट नहीं किया होगा, मुझे पता है आपको ये जो डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने उसका टेंशन आया होगा. बराबर किया था क्या? यस, साल किया किसी ने? नहीं याद. आज किया था, क्या आया था फिर? ई मैक्स क्या आया था? ई मैक्स क्या आया था? यस, ई मैक्स किसने सॉल्व किया था? क्या क्या आया था? मैंने आपको कहा ये इधर ध्यान, सब लोग ध्यान से देखो, होमवर्क बताया, एक बात याद रखो, होमवर्क बताया वो कंप्लीट होना. होमवर्क किया नहीं, इसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि आपने जो आज हुआ वो पढ़ा नहीं, या तो फिजिक्स को देखा नहीं, इसका मीनिंग यही निकल. क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते आएंगे तुरंत याद आता है आज ये दिया था, दिया है क्या आपने? अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले बताया. अब इसके बीच में आ गया, वो बोलते नदी में अगर गए आप आधे में गए तो पीछे जाने वाला रास्ता आप देखेंगे तो किनारा उतना ही दूर होता ना, आगे जाएंगे तो उतना ही दूर. तो आप तय कर लो आप क्या करना है, फिर से पीछे जाना है क्योंकि आधे में आ गया. रिपीटर्स बैच सिलेक्ट की मैंने आपको कहा, आपने मना लिया कि रिपीट करना है एक बार, और हमें चांस दे दो. वो क्या बोलते हैं ना, अब निकले घर से आंसुओं की तरह, अब वापसी का कोई सवाल नहीं. तो वैसी बात है, आप उससे आंसू निकल गए, निकल वापस नहीं गए, तो वैसे आप सब अब वापस नहीं है. सिर्फ अब आपको क्या करना है, ये ही अच्छी तरह से कैसे कर सकते, जो कर रहे हैं वो अच्छी तरह से कैसे कर सकते, बस उसको ही. अब हमें यहां पर वही देखना है कि यहां पर ये करना ही है, मुझे बताना है आपको. अब इधर ध्यान दो, बाकी आप बाद में कंटिन्यू करो, बट मुझे आज का जो आर्टिकल बताना है वो इम्पोर्टेंट है. सब लोग ध्यान से देखिए, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना आपका. चलो ध्यान दो यहाँ पर सब लोग, आज के आर्टिकल का पार्ट बाद में आपको वो बताना है मुझसे. ई ड्यू टू लाइन चार्ज, लिसन केयरफुली. नाउ लुक हियर एंड लिसन केयरफुली. ई ड्यू टू लाइन चार्ज, ये जो चार्ज है ना उसकी में भी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज, सब लोग ध्यान, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चार्ज जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओवर अ बॉडी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो इन दैट केस हम क्वांटाइजेशन इग्नोर करते हैं. तो इसमें चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वह तीन तरह से हो सकता है. एक तो वह डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है अलॉन्ग लाइन, दिस इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब कैसे,
अब जैसे कि यहाँ पर ऐसा भी आएगा, जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पर कि अलोंग रॉड, अलोंग वायर, अलोंग लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो रिंग भी अगर मैंने कंसिडर की थी कल, तो वह जो रिंग है वह भी हम कहेंगे लाइव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही है। यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है सपोज, यहाँ पर दिस इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, अलॉन्ग लेंथ हो गए तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लाइन चार्ज, तो वहां पर एक बात याद रखनी, अगर हमें कोई एलिमेंट है सपोज, या तो यहाँ पर चार्जेस में कहूं मतलब कैलकुलेट करना है, तो उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज की जाती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर डेंसिटी का मतलब पहले बताऊं, नहीं डेंसिटी का जनरल मास बाय वॉल्यूम, चार्ज का क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। तो ये चार्ज लीनियर चार्ज है, इसमें ये मीनिंग आ गया, लीनियर मतलब अलोंग लेंथ, तो चार्ज डेंसिटी बट अलोंग लेंथ, सो चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा, तो इसका मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, दैट इज चार्ज पर यूनिट। डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ। सिमिलरली हम ऐसे कहेंगे यूनिट, यहां पर देखो लेंथ में कितना चार्ज। अब वो चार्ज अगर स्मॉल रहा तो यू कैन राइट लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल, स्मॉल चार्ज, या चार्ज फाइंड करना है, चार्ज का मतलब फाइंड करना है आपको लैम्डा इंटू डी एल, टोटल चार्ज फाइंड करना है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यू कैन इंटीग्रेट इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते। वैसे मैंने आपको तीन तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा अलोंग लेंथ जिसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है अलोंग एरिया तो उसको क्या कहा जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये बार बार आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, या तो मैं ये जो टाइप्स बता रहा हूं वह सिग्मा से हम उसको डिनोट करें। सिग्मा मतलब क्या होगा फिर चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या ये चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड चार्ज अपॉन एरिया तो यू कैन राइट स्मॉल चार्ज ही लिख देता हूं मैं डी क्यू अपॉन डी, चार्ज अपॉन एरिया। अब ये कैसा होगा समझ में आएगा आपको, चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब आपने स्पीयर लिया, स्पीयर पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट और इट्स सरफेस एरिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अब चार्जेस ऐसे सपोज प्लेट है, प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मेरे पास जो दो ऑब्जेक्ट्स हुआ इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या कहेंगे उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अब वॉल्यूम का मीनिंग समझ लो यहां पर, तो उस वक्त हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो हम रो से डिनोट करते हैं, मतलब उसका मतलब है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, क्या होगा उसका मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मतलब हम समझ लेंगे डी क्यू अपॉन डी वी, क्लियर है क्या। यहां पर दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि आपको, अगर सपोज ये प्लेट है इस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, स्पीयर भी मैंने ड्रॉ किया, स्पीयर भी ड्रॉ किया, तो यहां पर देखो ये सपोज स्पीयर है, सॉलिड रहने दो ने तो हॉलो स्पीयर रहने दो, सरफेस पर है ऊपर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। बट अगर वही चार्जेस में बात कर रहा हूं, स्पीयर पर ही बात कर रहा हूं, लेकिन ऊपर भी है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए एंड इनसाइड भी है, तो दिस चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे मैं आपको बता रहा हूं सपोज यहां पर देखो ये रिंग है कि नहीं, अब रिंग पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए, इस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए लैम्डा, फॉर्मूला क्या है चार्ज अपॉन लेंथ। माइक म्यूट, जिनका माइक म्यूट नहीं है उनको मैं
म्यूट कर दूंगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ की सपोज रेडियस आर कंसीडर की, तो लेंथ कितनी होगी? लेंथ कितनी होगी? 2 पाई r। करेक्ट। और यहां पर देखो, ये मैंने उसका एग्जांपल बताया। अब सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और यहां मुझे कैलकुलेट करना है कि इसके सरफेस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी। अब स्फीयर पर लेते हैं, चार्ज अपॉन एरिया लेना हो, एरिया ऑफ स्फीयर क्या है? 4 पाई r स्क्वायर। एंड वॉल्यूम पर रहा तो डेंसिटी, चार्ज अपॉन 4/3 πr³, मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वर्ड बीच बीच में आते रहेंगे, लैम्ब्डा, सिग्मा या रो, तो आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मैं लाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता, समझो। अब चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अलोंग अ लाइन। ये सपोज रॉड ले लो, वायर ले लो, यहां पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए लाइक दिस, पॉजिटिव चार्ज कंसिडर। अब नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव कंसिडर। अब देखिए, मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन, यहां पर फाइंड करना। एक सिंपल मतलब डेरिवेशन है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना। देखो सपोज ये एंड में ले रहा हूं इस रॉड का, कोई भी एंड ले लो, पी क्यू एंड ले लो। अब यहां पर ये लाइंस एंड पॉइंट्स ने ज्वाइन जो किया, इस पॉइंट पी को कहो आप, पी इधर ले लिया, ए को कहो आप यहां पर। अब यहां पर हम ऐसे कहेंगे, ये जो पॉइंट है ना यहां पर, इसका एक एलिमेंट, प्रोसीजर वही है जो मैंने रिंग के लिए यूज की, बट हमें डेरिवेशन याद रखने की जगह ये फॉर्मूला याद रखना। एक एलिमेंट सिलेक्ट किया, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया यहां पर, तो उसके दो कंपोनेंट्स। सपोज मैंने यहां पर एक एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट लिया, एंड इस एलिमेंट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड, तो उसका एक एक्स कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, उसका वाई कंपोनेंट होगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल के कारण एक्स एक्सिस के अलोंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल के कारण हमें y एक्सिस के अलोंग फील्ड मिलेगी। अब यहां पर मैं जो बता रहा हूं ध्यान से देखो, दोनों मिलकर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होगी एट दिस पॉइंट, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड x y एक्सिस के अलोंग फाइंड करना, x एंड y एक्सिस के अलोंग फाइंड करना। तो यहां पर मैंने आपको कहा कुछ पॉइंट्स आप याद रखिए। अब यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, तो देखो ये सपोज ये पी ए, लुक हियर, पी ए ने जो एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल से, एंड इधर पी सॉरी क्यू ए ने जो एंगल बनाया विद दिस आर, उसको मैं एंगल्स को कह रहा हूं थीटा वन एंड थीटा टू। अब जरा ध्यान से, फिर एक्स कंपोनेंट जो फाइंड करेंगे ई का, उसके लिए फॉर्मूला देखो, एक्स के लैम्ब्डा अपॉन आर, इसके 1/4πε₀ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। लैम्ब्डा चार्ज डेंसिटी, लेकिन कौन सी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहां पर लैम्ब्डा दिया हुआ, आर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फॉर्मूला है साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, भूलो मत। मैं यहाँ पर और आपको कुछ ये फॉर्मूले कैसे कहाँ यूज करना है बताने वाला, तो थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान दो, और बाद में आप समराइज करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक को आप कॉम्पैक्ट कर सकते हो, एंड फॉर्मूले भी आसानी से याद रख सकते। ई एक्स ई वाई, वाई कंपोनेंट रहा के लैम्ब्डा अपॉन आर, तो इसके लिए फॉर्मूला है कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रिजल्टेंट फील्ड, उसके कुछ केसेस कंसीडर करेंगे, फिर हम मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा जिसको हमें सॉल्व करना है। देखो ऐसे कंसीडर करता हूं मैं, फॉर इनफिनाइट वायर। अब मैंने फाइनाइटली पहले
पहले कितने लिए? फाइनाइट। अब इनफाइनाइट पायर की बात करें, नेसेसरी नहीं, लेकिन अब यहां पर ध्यान देना होगा, आपको समझना होगा इस पॉइंट पर, ठीक है। अब सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो मैं जो बता रहा हूं उस पर, दिखा दे रहा ना अच्छी तरह से ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको? यस सर। ओके, देखो आप मुझे बताओ, ये एंगल आर से लाइन, ये ओपी जो है ना, ये एंगल जो बना है ना, सपोज वो 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। अब ये पॉइंट यहाँ लेने की जगह मैंने अगर यहाँ लिया तो पहले से एंगल इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया? इंक्रीज, 30 का 40 हो गया सपोज, ऊपर लिया 45 हो गया, और ऊपर लिया 60 हो गया, और ऊपर लिया, एंगल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, और इनफिनिटी डिस्टेंस पर लिया तो 90। जब आपको ऐसे कहा जाता है कि वायर इनफिनाइट है, मीन्स आपको ये जो मैं एंगल्स बता रहा हूं यहाँ के जो एंगल्स है वो कैसे है? 90 डिग्री, या एंगल 90 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन कह सकते हो आप। तो एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे इस केस में, के लैम्ब्डा अपॉन आर साइन थीटा 1 साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 2 और 2 के लैम्ब्डा अपॉन आर, ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। के लिए फॉर्मूला बताओ, 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, उसे डिनोट किया 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, और ऊपर रह जाएगा लैम्ब्डा। क्लियर है ये फॉर्मूला? कौन सा कंपोनेंट है ये? एक्स। एंड वाई कंपोनेंट क्या आएगा? कॉस 90, 0 माइनस 0 0, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ईएक्स प्लस ईवाई, तो ईएक्स प्लस ईवाई करेंगे, ईवाई तो 0 है, तो इसलिए नेट फील्ड भी उतनी होगी जितनी एक्स एक्सिस के अलावा। कोई प्रॉब्लम इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम है इसमें? शांत रहे तो मैं समझूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि? तो चलो एक काम करो, मैं आपको ही लिखना है, एक काम करो, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बाद में लिख लेंगे, ऊपर हेडिंग लिखो ई ड्यू टू लाइन चार्ज। नाउ राइट डाउन, भले आप ऑनलाइन हो तो आपको थोड़ा कन्वर्सेशन रखना है, एंड ये प्रॉपरली जैसे मैं बता रहा हूं वो फॉलो करना, ई ड्यू टू लाइन चार्ज। कुछ स्टूडेंट शायद अब्सेंट, कुछ तो पहले लॉकडाउन में हार गई। हाँ, 12वीं वालों ने 2 लॉकडाउन दिए, एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी बोलेंगे मतलब कि हम बचपन से लॉकडाउन देखते आ रहे हैं, ऐसा भी है। ड्यू टू लाइन चार्ज ये प्रॉपरली ड्रॉ करो, थीटा 1 थीटा 2, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, एंड उसमें एक केस बता रहा हूं मैं, केस 1 फॉर इनफिनाइट वायर। ये टॉपिक परफेक्ट कर लेंगे, आपको मैग्नेटिज्म सेक्शन भी आसान लगेगा, सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वहां, और कुछ नहीं, सिमिलर ही फॉर्मूले, कोई चेंज नहीं है। राजनंदिनी दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये छोटे साइज में नहीं, आपको मैंने फिर कहा है, आपका जो स्क्रीन है ऐसा इस तरह से उसको हॉरिजॉन्टल पकड़ो, वो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी जिनको प्रॉब्लम आ रहा है, एंड अगर जिनको दिखाई नहीं दे रहा है वो स्क्रीन को ऐसा स्क्रोल करो, इधर इधर स्क्रोल करेंगे ऐसा, ठहरो
सर उसे डबल टैप करना पड़ता है। हाँ उधर स्क्रीन करो और ये जो दिखाई दे रहा है आपको छोटा, ये स्क्रीन छोटी वहां पर उसको पुश करना है, बड़ा हो चल फिर ऐसा हॉरिजॉन्टल एंड फिर उसको डबल टैप करेंगे तो पिन हो जाता है, पिन हो जाता है मतलब आपके बीच में दूसरे स्क्रीन दिखाई नहीं देगी, तो उसको पिन करो। एक दिन ऑफलाइन आ जाओ फिर मैं ट्रेनिंग दूंगा ऑनलाइन, ठीक है? ऑफलाइन है क्या ना? ऑनलाइन है गया। वो भी बताना अभी ये मिक्स हो जाएगा सब, तो वो भी बताता कंपोनेंट्स वो सेम रहेगा लेकिन एक वाई में चेंज होंगे। क्लियर है? लिखना हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लिखते जाओ नहीं तो देखो मत, मुझे नहीं हुआ कोई, नहीं हुआ सर नहीं हुआ, मैं तो देखा हमने लेक्चर देखा बहुत अच्छा था दिखाई दे रहा था, वो नहीं कॉन्सेप्ट समझो, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। सर हाँ बोलो, ऑनलाइन किती दिवस है सर? ऑनलाइन जास्त दिवस टिकणार नाही बघू आपण, पेरेंट्स टीचर स्टूडेंट सब मिलाकर अगर बोले उनको क्या है, एक बात क्या हो रही है यहाँ पर आपको कि गवर्नमेंट बोलते हैं कि आप पुलिस के पास जा सकते हैं, आप मतलब कहीं भी जा सकते, कोई भी शॉप पर जा सकते, सिर्फ स्कूल में नहीं जाना चाहिए आप, क्लास में नहीं आना चाहिए, तो ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा हम पेरेंट्स स्टूडेंट्स टीचर ने बोला उनके अगेंस्ट कुछ कहा तो शायद शुरू करने में परमिशन देंगे, है कि तो ऐसा कुछ तो भी, और एक बीच में कोई तो भी उसमें ऑप्शन निकलना चाहिए कि भाई सब वैक्सीनेट हो जाओ और अगर स्टूडेंट्स टीचर पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं तो जाना चाहिए, ऐसा कुछ तो आप में अगर आप में से कोई पॉलिटिशियन बनेगा तो वो सोचो हमारे क्लास का कुछ तो ये लिखना, क्लियर है? चलो अब आप बोलेंगे मुझे, आप मुझे बोलेंगे कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसे कहा कि इफ लेंथ ऑफ वायर इज फाइनाइट, फाइनाइट लेकिन ध्यान से देखो पॉइंट है, पॉइंट जैसे मैंने यहां पर नाम दे दिया था ए, ए को लेकर पॉइंट ए लाइज एट द परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ लाइन और वायर। परपेंडिकुलर बायसेक्टर का मीनिंग समझ में आ गया आपको? परपेंडिकुलर बायसेक्टर का मीनिंग समझ में आ गया क्या? ये जो लाइन चार्ज यहां पर है मतलब यहां पर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं फाइनाइट लेंथ और उससे परपेंडिकुलर मतलब मिडवे बायसेक्ट करने वाला, इसका मतलब दोनों तरफ जो एंगल्स बनेंगे थीटा वन वो भी थीटा होना चाहिए, थीटा टू वो भी थीटा होना चाहिए, क्लियर है? तो क्या होगा फिर एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट हमारा फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा वन, वो भी हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा टू भी हो जाएगा साइन थीटा, एंड एक्स कंपोनेंट फिर क्या हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा प्लस साइन थीटा टू साइन थीटा, क्लियर है क्या? एक्चुअली ऊपर जो बताया ना मैंने ऊपर भी इसकी केस है, ऐसे स्पेशल केस है, ऐसा परपेंडिकुलर बायसेक्टर है जिसमें थीटा जो है इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री, तो हो गया 2k लैम्डा sin थीटा sin 90 एंड sin 91 तो 1 into 2k लैम्डा अपॉन, उसकी एक स्पेशल केस,
परपेंडिकुलर बायसेक्टर है, मतलब दोनों तरफ सेम एंगल है, सिर्फ वो एंगल 90 डिग्री, वही एक केस। अब हम क्या कहेंगे उसका वाई कंपोनेंट, यहां भी देखो यहां पर भी क्या आएगा, वाई कंपोनेंट जीरो, एंगल सेम रहा तो जीरो, cos theta minus cos theta, और यहां पर इसीलिए रिजल्टेंट जो फील्ड होगी वो 2k λ/r (sin θ) क्लियर है क्या? क्लियर है सबको ये? अब देखो अगर हमने कहा कि ये पॉइंट ए जो है वह परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर नहीं, अब वह परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर नहीं है, वह है नियर वन एट, यहां पर है पॉइंट ए नियर वन एट, तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे ये, पहले केस टू लिख लो, एंड केस थ्री में अब आपको ट्राई करना है कि क्या आएगा इफ पॉइंट ए lies near one end, near one end of infinite wire, वो भी याद रखो infinite wire, and near one end, and इधर से एक end infinite है, infinite है, मतलब आपको ये angle कितना लेना है वो समझ लो। Online students concentration है ना सबका? सर ओके कॉन्सेंट्रेशन रखो। एक बात अच्छी लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप नींद भी लेते तो कोई प्रॉब्लम है कि हाँ अच्छा आपका सुबह सुबह लेक्चर में थोड़ा लेट है। और अपना फिजिक्स का ही लेक्चर करो अच्छी तरह से। ओके किसी ने बताया आंसर? ओके राजनंदिनी सर हाँ के लैम्ब्डा बाय आर इनटू वन प्लस साइन थीटा। ओके ये लिखना हुआ सेकेंड केस। ओके कुछ नहीं सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में सिर्फ आपको बताया के लैम्ब्डा अपॉन आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, दोनों तरफ के एंगल सेम है बस, थीटा वन थीटा थीटा टू थीटा वन साइन थीटा प्लस वन साइन थीटा टू साइन थीटा, बाकी के लैम्ब्डा अपॉन आर एज इट इज, तो वही रिजल्टेंट होगा क्योंकि वाई कंपोनेंट जीरो है। अब केस थ्री लिख दिया आपने, थर्ड केस लिख दिया आपने, केस थ्री में क्या आ गया फिर आंसर? ये लैम्ब्डा अपॉन आर, ये लैम्ब्डा अपॉन आर। देखते इधर ध्यान दो, एक्स कंपोनेंट बताओ पहले, एंड इसका मीनिंग बताओ मुझे, नियर वन एंड मतलब ये एक एंगल यहां पर, दूसरा एंगल जो थीटा टू है वह कितना है? 90 डिग्री। एक्स कंपोनेंट देखो, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, के लैम्ब्डा अपॉन आर साइन थीटा वन जीरो डिग्री है प्लस साइन थीटा टू 90 डिग्री, k lambda upon r sin 0 plus sin 90 मतलब 0 plus 1 1 is k lambda upon r, but e by b देखना पड़ेगा ना कितना है, y component आपने देख लिया क्या कितना है, ex इधर act होगा, ey कितना होगा वो तो भी देखना पड़ेगा, k lambda upon r cos theta 1, theta 1 कितना है 0 cos 0 degree minus cos 90 theta cos 90 degree है ना, ex ey आप देखो cos 0 degree 1 cos 90 0 minus k lambda upon r minus sin का मतलब वो downward act हो रही है, इन magnitude देखा जाए तो ex and ey जो है
वह के लैम्डा अपॉन आर ये इन मैग्नीट्यूड है या नहीं? यस सर। तो दोनों में एंगल कितना है? ईएक्स एंड ईवाई में एंगल कितना है? ईएक्स एंड ईवाई में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट फील्ड कैसे एक्ट होगी? रिजल्टेंट ऐसा एक्ट होगा, दोनों इक्वल है मतलब मिड में ही एक्ट होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अंडर रूट ईएक्स स्क्वायर प्लस ईएक्स स्क्वायर, मतलब क्या होगा 2ex स्क्वायर और रूट 2 इंटू ex, एंड ex पता है हमें k लैम्डा अपॉन r। आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। सब स्टूडेंट्स अच्छी तरह से इस पर रहो, कुछ आ रहे जा रहे ऐसा मत करो। एंड वो एंटरटेन में नहीं, एंटरटेनमेंट समझते बहुत सारे स्टूडेंट्स, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टंट है। अपने कड़े जास्त कहीं तस कहीं मिलना नहीं, कारण आपला विषय स्टैंडर्ड है फिजिक्स, तीन अपेक्षा करू ना हमें एक कॉन्सेप्ट। एक्स ईवाई पास जीरो कितना है? हाँ सॉरी, प्लस प्लस के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। रूट टू के की वैल्यू बताओ मुझे, 1/4 pi epsilon naught r, उसको अलग अलग तरीके से लिख भी सकते हो, pi epsilon naught r and 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 into 2 and 2 into 2 root 2 upon 2 root 2, जैसे ऑप्शन होगा ऑप्शन के अनुसार हम चेंजेस करने वाले, ऑप्शन के अनुसार हम चेंजेस करने वाले। सर ते थीटाचे अँगल परत सांगा ना, कोण सा थीटा? ये पहले का अँगल जो है वो तो मैंने बताया 90 डिग्री है, ऊपर ऐसा है तो इनफिनिटी। अरे ये एंड देखो, अब इधर देखो, सपोज फॉर एग्जांपल ये एंड इधर होता तो यहां पर एंगल हमें ये देखना है, ये 30 डिग्री से, तो ये एंड यहां रखने की जगह यहां होने की जगह यहां होता तो एंगल और कम हो जाता, यहां होता तो और कम हो जाता। अब यही एंड इधर आ गया, मतलब ये पहले 30 था, फिर और कम हो गया 20, और कम हो गया 10, और यहां आ गया तो क्या हो जाएगा? जीरो। वो हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ, क्लियर है? ये लिखना हो गया सबका, नोट कर लो, लिखना हो गया क्या? देखो क्लियर हो गया क्या? अरे बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ यस सर। एंड सपोज आपका लिखना नहीं हुआ तो आपके पास ऑप्शन है स्क्रीनशॉट ले लेनी, लेकिन बाद में जरूर लिखना, क्लियर है? अब मुझे एक और आपको ये थोड़ा सा जो पार्ट है जो मैंने बताया, अब क्या करता हूं मैं देखो, और कुछ फॉर्मूले जो आप अच्छी तरह से इससे कर सकते हो, कैसे देखो मैं इधर ऊपर लिख देता हूं। रिंग के लिए देखा है ना हमने, ये रिंग के लिए देखा है ना हमने फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। अब ये जो मैंने आपको कहा कि स्ट्रेट है, ऐसा लाइन चार्ज ऐसे स्ट्रेट है ना ऐसा, अब मैं उसको थोड़ा बेंड कर देता हूं, इसको जो है मैं बेंड कर देता हूं, इसको बेंड कर देता हूं इस तरह से, देखो एक रिंग, ऐसे समझो ये रिंग का एक पार्ट दैट इज आर्क, क्या ये आर्क है? तो ये अगर आर्क है एंड अगर मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर, सॉरी दिस आर्क, सेमी सर्कुलर नहीं है अभी, यहां पर फाइंड करना,
तो अगर हम देखते हैं सपोज इस एंड ने ये एंगल बनाया कुछ, इस एंड ने हम कहेंगे ये एंगल बनाया कुछ, ऐसे कंसीडर करो ये एंगल जो है वो थीटा वन, ये एंगल थीटा टू, बट मैं सेंटर की बात कर रहा हूं, तो दोनों तरफ के एंगल कैसे हो जाएंगे सेम। एंड याद रखने का एक आसान तरीका है, और ध्यान से और समझ लो कि अगर मैंने इसके भी यहां पर देखा तो इसका भी एक्स कंपोनेंट है, तो जो फाइंड करना है आपको यूजिंग द सिमिलर फॉर्मूला के लैम्डा बाय आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये दिखाई दे रहा है क्या आप सबको ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले कैसे याद रहे, ज्यादा फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं। एक फॉर्मूला मैंने आपको कहा वो लाइन चार्ज, ये भी तो लाइन चार्ज, तो उसके लिए भी फॉर्मूला एप्लीकेबल, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो। और मॉडिफाई करता हूं मैं उसको, सपोज जनरली क्या होता है ये थीटा थीटा देने की जगह वह क्या करते हैं ये कंप्लीट थीटा देते, एंड कंप्लीट थीटा देते तो दोनों पार्ट सिमेट्रिक ही है ना, तो थीटा भी दिया तो इसको थीटा बाय टू लेना है, मतलब इसको लेना है थीटा बाय टू थीटा बाय टू। तो हमारा फॉर्मूला देखो एक्स कंपोनेंट कैसा होगा, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू टू साइन थीटा बाय टू। जरा ध्यान दो मैं सिंपल कर रहा हूं उसे, और ई एक्स लुक हियर एंड लिसन केयरफुली, टू के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाय टू, ऐसा भी याद रखा तो चलेगा, या तो आप ऐसे याद रख सकते लैम्डा के वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको टू से डिवाइड किया टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा बाय टू, ये शॉर्ट फॉर्मूले हो गए फॉर द आर्क। एंड इसका वाई कंपोनेंट जो है सिमेट्रिक बॉडी, जब हम दो पार्ट्स करते हैं इक्वल, वहां पर भी देखो लाइन चार्ज में इक्वल रहेंगे तो उस वक्त सिमेट्री यूज करते हैं, तो दोनों तरफ वाई कंपोनेंट जो एक्ट होते हैं, यहां इसके कारण डाउनवर्ड एंड इसके कारण अपवर्ड, तो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो वाई कंपोनेंट सोचना ही नहीं। तो एक्स कंपोनेंट जितना है उतनी वहां पर नेट फीड है। फॉर्मूला अगर मैं फिर से बता रहा हूं, ज्यादा कुछ लर्न नहीं करना है, एक बेसिक टिपिकल फॉर्मूले लर्न करके दूसरे फॉर्मूले डिराइव करो, ऐसे स्टेप्स में डिराइव करो, ऐसे मिनिमम स्टेप्स में डिराइव करो, वो लर्न होने जैसा होना चाहिए, वो लर्न होने जैसा होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यही फॉर्मूला उस एंगल थीटा बाय टू, तो तुरंत ध्यान में आता है कि साइन थीटा प्लस साइन थीटा टू साइन थीटा होता है, तो टू साइन थीटा से थीटा बाय टू ले लो। जैसे बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछे भी है इससे रिलेटेड, आर तो ये सर्कुलर आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे अब मैंने क्या कहा, आपने ले लिया सर्कुलर रिंग, तो उसमें से अब मैं सिर्फ हाफ पार्ट ले लेता हूं, सेमी सर्कुलर रिंग, क्या ले रहा हूं मैं सेमी सर्कुलर, और मुझे ई फाइंड करना एट द सेंटर ओ। तो ये रिंग जो है ना वो अलग अलग तरीके से हो सकती है, इसको आप देखेंगे तो ऐसा होने की जगह वो ऐसे भी हो सकती है नहीं? तो यहां पर आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्ट हो। अब यहां पर पहले सोचते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई कंपोनेंट, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, नेगेटिव चार्ज है तो टूअर्स। क्लियर है? अब यहां पर क्या करेंगे, ये फाइंड करना आसान है के लैम्डा अपॉन आर टू साइन थीटा बाय टू, थीटा बाय टू ऐसे ना, थीटा बाय टू मतलब कौन सा, यहाँ का एंगल चाहिए, हम पूरा एंगल थीटा बोले, थीटा कितना है 180, तो यहाँ पर फॉर्मूला देखो साइन थीटा बाय टू, मतलब ओरली लीजिए थीटा 180 अपॉन टू 90, साइन 90 वन इंटू ई आएगा टू के लैम्डा अपॉन आर आएगा 2k लैम्डा अपॉन आर, या तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि k 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2, 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है? सेमी सर्कुलर रिंग के कारण क्लियर है क्या? ओके, मैं फिर और कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जो आपको फाइंड करना है। यहां पर इस तरह से अब यहां पर आएंगे तो वो डाउनवर्ड एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, आप घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं, तो एक्स कंपोनेंट इस केस में ऐसा एक्ट होगा जो जीरो होगा, क्या वाई कंपोनेंट होगा, फॉर्मूला वही होगा,
रिंग कैसे रखी है उस पर भी डिपेंड है। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए ये फॉर्मूला आपको याद है। मैं और कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको सॉल्व करना है। पहले यहां पर लिख लो, लिखो मैं जो हेडिंग बता रहा हूं, ई ड्यू टू सर्क्यूलर आर्क। E due to circular arc, arc positive charge निकाल लो लगे तो वहां पर। एक बात याद रखो, पहले देखो फास्ट, प्रिंट फिनिश्ड हो गया। देखते आपको सॉल्व करता है नेक्स्ट। सॉल्व करेंगे ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रेडी है क्या? सोच समझ कर सॉल्व करना है। पहले ध्यान दो, बाद में ड्रॉ करो, अभी मैं तुरंत ड्रॉ करने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपको। इधर ध्यान दो, ध्यान दे रहे हैं क्या सब लोग ऑनलाइन वाले? यस सर। इतना पार्ट इस ग्रीन का,
मतलब वो वन फोर्थ पार्ट है, इतना है वन फोर्थ पार्ट। अब बॉडी भी तो ये बात याद रख, वो चार्ज बॉडी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज रहना चाहिए, ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज है। और आपको यहां पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस सर्कुलर आर्क जो वन फोर्थ है, मतलब यहां पर 90 डिग्री आएंगे। तो देखते हैं अब किसका आंसर आता है, रूट टू के लैम्डा बाय आर, और किसका रूट टू के लैम्डा बाय आर, ओके किधर लैम्डा बाय आर। हाँ चलो चेक करते हैं, एक्स कंपोनेंट बताएंगे आप पहले मुझे, एक्स कंपोनेंट बताएंगे के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर इनटू साइन, क्या लिखा मैंने साइन थीटा बाय 2 इनटू 2, मतलब 2 के लैम्डा बाय आर इनटू साइन थीटा बाय, क्लियर है, हाय या नहीं? तो थीटा कितना है वहां पर 90, ये 90 डिग्री, तो उसके हमें हाफ एंगल चाहिए, ये याद रखो पूरे एंगल का हाफ एंगल लेना है, 90 बाय 2 मतलब 45, एंड साइन 45 कितना होता है 1 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2 क्या होगा रूट 2 के लैम्डा अपॉन आर। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट कितना होगा सिमेट्री 0, तो दैट्स व्हाई यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं ये एक्स कंपोनेंट ही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है क्या? हाँ परपेंडिकुलर ये है ना, ये वन फोर्थ पार्ट ड्रा किया मैंने सर्कल, तो वन फोर्थ पार्ट मतलब एंड ने एंड से यहां पर सेंटर पर जो एंगल बनाए वो कितना रहेगा 90, वन फोर्थ पार्ट इसका मतलब 90 डिग्री, यही आर्क हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो सर्कल बन जाता ना ऐसा, उसका वन फोर्थ पार्ट, क्लियर है सर? थीटा बाय 4 आयला पाहिजे नहीं, जनरल फॉर्मूला यूज करना है हर वक्त, पहला फॉर्मूला लिख लेने का ये, फिर देखने का कि वहां पर कितना एंगल, उस पॉइंट का जो पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एंड ज्वाइन करने वाले, एंड से ज्वाइन करने वाले लाइन जो है उस पॉइंट को, उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा है एंड उसका वो हाफ है, समझ में आया, क्लियर है क्या? एंडिंग लाइन सेंटर पर जो एंगल बनाया हुआ टोटल थीटा और उसके हाफ थीटा बाय 2, क्लियर है ये? क्लियर है क्या? हाँ सर। ओके दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड है एंड ऐसा समझो आप इसके सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, इसके सेंटर ओ है हम इस पार्ट का, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ओके find E at O, बोलो नहीं finite, ये net find करना है दोनों के कारण, ये finite particular length fixed length, mic mute करो sound को, समझ में आ रहा है ना सबको? Find E at O, आ रहा है क्या? हेलो यस सर, क्या आ गया फिर?
सर कोई नहीं, बहुत आसान है। इधर ध्यान दो सब लोग, ओके इधर ध्यान दीजिए। मुझे बताओ सपोज यहाँ एन पॉइंट हम ले लेते हैं, इसने एंगल थीटा बनाया ऐसे समझ लेते हैं, तो ये भी तो थीटा ही होगा, ओके तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्ट होगी। तो हमने देखा है फॉर्मूला परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर कितना 2k लैम्डा अपॉन r sin थीटा व्हाटएवर इट मीन sin थीटा होगा। एंड अब मुझे बताओ इसके कारण यहां पर अब n पॉइंट्स देखेंगे आप, तो इसके भी लिए थीटा थीटा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण ऐसी, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट, क्लियर है। तो अगर ऐसा हो गया तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस पार्ट के कारण फाइंड करना है ना, क्लियर है। तो फाइंड करते उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसे एक्ट होती है हमने देखा है, एक्स कंपोनेंट हमने देखा है कैसे एक्ट होता है एक्स कंपोनेंट, तो वहां एक्स की जगह अब ऐसा है क्योंकि हमने ऐसा देखा है, हमने ऐसा देखा है ये थीटा यहां पर ई एक्स कंपोनेंट ऐसा देखा। दूसरी बात y कंपोनेंट अगर सिमेट्रिक है तो जीरो हो जाता है, y कंपोनेंट अगर जीरो है तो हमें x कंपोनेंट के बारे में सोचना, जो नेट फील्ड होगी y कंपोनेंट है नहीं, मतलब इधर हम कहेंगे इधर y कंपोनेंट x कंपोनेंट जीरो, तो ey ही है। मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है ey वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इनटू jk माइनस jk वेक्टर फॉर्म में आता है, वेक्टर फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, रिमेंबर दिस। तो फाइंड करते हैं, अब यहां पर गलती कर सकते हैं, इधर देखो और समझ लो ध्यान से, k लैम्डा अपॉन r sin थीटा 1 एंड sin थीटा 2 सेम है, सो यू कैन राइट sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 मतलब sin थीटा प्लस sin थीटा 2 sin थीटा, बट रिमेंबर यहां पर ये गलती हो सकती है, ये जो यहां का थीटा है ना वह थीटा नहीं है, वह थीटा नहीं है, मैं उसको थीटा डैश कहता हूं। कितना है फिर, कितना है 45 नहीं है, वो ये थीटा लिया आपने तो ये 90 डिग्री है, एंड इसीलिए हम कहेंगे यहां पर जो एंगल देखेंगे आप, ये जो एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये समझ में आया क्या आपको, क्या थोड़ा उसको बड़ा कर दूं, बड़ा कर दूं, बड़ा करो सर, उसको मैं बताता हूं मुझे क्या बोलना है। अब पहले दोनों परपेंडिकुलर जो है उसके कारण E जीरो है वो तो समझ में आ गया आपको, अब मैं क्या बता रहा हूं आपको उसे समझो। मुझे ये कहना है अगर ये y एक्सिस ले लिया आपने तो ये वर्टिकल है, तो इसने जो एंगल बनाया इतना वो 90 डिग्री है कि नहीं। हाँ सर। अब उसमें से ये जो लाइन है येलो कलर की उसने यहाँ पर थीटा एंगल बना दिया, तो मैं पूछ रहा हूँ ये एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा ही होगा ना, तो हमें क्या चाहिए होता है, ये एंगल चाहिए होता है हॉरिजॉन्टल से इस लाइन ने बनाया हुआ, तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल होगा इसलिए ये इससे ये एंगल नाइनटी माइनस थीटा, तो यहाँ पर लिखना होगा हमें साइन 90 माइनस थीटा, एंड साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, यस cos थीटा होगा। अब हम ऐसे कह सकते e क्या होगा 2k लैम्डा अपॉन r साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा इज द आंसर, और आप लिख सकते लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट r cos थीटा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। यस मैंने पहले बताया था वो सेंटर है, वो सबका सेंटर यहाँ पर है ना, नहीं ये जो भी होगा लेकिन इन जनरल हम यहाँ पर आएंगे पहले, जनरल सेंटर मतलब यहाँ पर ये देखो ये दोनों इक्वल है यहां से पता चलता है पहली बात ये, बट यहाँ के लिए कितना है ये, इसने अगर हमने कहा कि दोनों तरफ एंगल सेम बनाए इधर सेम इधर सेम तो बता देंगे ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री का यहाँ पर इक्वल है तो 45 डिग्री, फिर हम यहाँ पर
हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो ये हाँ ना वही मैं बोल रहा हूँ, तो ये दोनों का अगर इक्वल है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा पहली बार। फिर अब इस पर डिपेंड है कि एंगल कितना, हाँ तो इसके साइज का ये रहा, हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। आप लेके थी मैं वन फिनिश। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस यस सर। ओके दूसरा एग्जांपल देता हूं फिर, आज जरा टाइम ज्यादा लग रहा है ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी मोबाइल रहा तो टाइम कैसे जाता है समझ नहीं आता, मोबाइल असले की कौन पे टाइम लो पर दोस कावडी बोल कावडी सर ऑनलाइन ले बोलत हो ना, त्याच्यामुळे तुम्ही ऑफलाइन येतो येतो सर, आम्ही ऑफलाइन सर आम्ही येतो, तुम्ही येऊन देणार नाही ना काय, आम्ही येऊ ऑफलाइन पण तुम्ही येऊन देणार नाही आम्हाला, नाही नाही येऊ देऊ तुला स्पेशल, तुझे जास्त सीट आहे त्याच्यामुळे उद्या येतो बघ मी ऑफलाइन हो ये चलो अब यहां पर देखो ये सेमी सर्कुलर आर्क है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, एंड ऑफ कोर्स उस पर चार्ज है, भूलना ही नहीं ये चार्ज है। थैंक यू। जिनको एमबीबीएस करना है वो फिजिक्स को भूलो ही मत, ऑनलाइन रहो या बाकी कोई भी सब्जेक्ट भूल जाओ, लेकिन इस साल फिजिक्स को भूलना ही नहीं, ऑनलाइन करा नहीं तो ऑफलाइन करा। ऑफलाइन येऊ शकतो का सर उद्यापासून? सगळ्यांसमोर विचारायचं नसतं। सर प्रायव्हेट कसं विचाराव? प्रायव्हेट मध्ये पर्सनल नंबर द्या मग। देतो ना आता दिला तू परत पर्सनल नाही राहणार ना। वाय का देखो क्या आता है, रेडियस आर या डिस्टन्स आर ले लो, कॅपिटल आर ले लो, सुरू आहे का सध्या? तरी नाही सध्या ऑनलाईनच आहे आपण, बोलो क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ओ कहो आप, ओ कहेंगे ई एट पॉइंट ओ हमें फाइंड करना, बोलते जाओ इधर ध्यान दो। अब यहां पर ध्यान दो सब लोग, पहले समझो और फिर लिखो, ये ऐसे दिया तो इनफिनिट की तरह ट्रीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। नियर वन एंड हमने देखा है क्या फॉर्मूला है, वो ई एक्स जो बोला था हमने ऐसा लिखा था के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा वन, इस केस में एक एंगल जीरो आता है तो साइन जीरो जीरो, साइन थीटा साइन नाइनटी ये रहता है वो, तो साइन नाइनटी वन तो वह के लैम्डा अपॉन आर होता है, करेक्ट है क्या? एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट क्या होता है? के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा वन जीरो, कॉस थीटा नाइनटी तो कॉस जीरो वन है तो वह भी यही है, क्लियर है क्या? तो हमें ई फाइंड करना है, तो एक्स कंपोनेंट इधर वाई कंपोनेंट इधर, रिजल्टेंट फील्ड एक्ट होती है ऐसी। तो अब हम कहेंगे ये आता है रूट टू के लैम्डा अपॉन आर,
करेक्ट है क्या? ऊपर ही हमने केस देखी है नियर वन एंड क्या होता है, नियर वन एंड क्या होता है हमने देखा। तो ये है, तो इसके लिए सपोज ये इसके तीन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट के कारण यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसे एक्ट हो रही, देखो इधर इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे आपको समझा रहा हूं, यहां पर देखो, इधर ध्यान दो सब लोग, एक मिनट, इधर पूरा, अब इधर ध्यान दो सब लोग, एक्स कंपोनेंट कैसा एक्ट होता है ये देखो, ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट कैसा एक्ट होता है, ये वाई कंपोनेंट, सब लोग ध्यान दो यहां पर, तो ही समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वह कितनी है, रूट टू के लैम्डा अपॉन आर है। अब मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान से देखो और समझ लो इसे, ये जो पार्ट है देखो कैसा, कैसे एक्ट हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपने कहां पर, लेकिन अब एंड पॉइंट पर तो नियर वन एंड, बट वह दूर है, उससे दूर है, वह दूर ड्रॉ करता हूं मैं थोड़ा, यहां पर क्या करना है उसको, यहां से वह दूर है, फिर यहीं पर वह स्प्लिट कर लेता हूं, एक मिनट, एक ही जगह निकाला मैंने नियर वन एंड, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन रखो, एक मिनट, नियर वन एंड पर उस पॉइंट का कुछ डिस्टेंस है यहां से, इस पॉइंट का कुछ डिस्टेंस है यहां से, अब उतना ही रेडियस इतना डिस्टेंस आएगा तो पता, देखो अब ये कैसा हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसे ऐसा नहीं है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई दे रही है आपको, ब्लू जो लाइन है वह दिखाई दे रही है आपको, कहां आ गई, इधर आ गई दिखाई दे रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर, अब मुझे बताओ आप लोग, पूरा इसको मैं ऐसा कर लेता हूं और क्लियर हो जाएंगे आपको, क्योंकि ये इमेजिनरी है, समझ में आ गया तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। देखो दिखाई दे रही है, पहले रॉड के कारण कैसे आ गई, इसके कारण कैसे आ गई, इधर आ गई, हाँ या नहीं, अब इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी कैसे, देखो वो भी बोलता हूं, इसीलिए मैंने कहा वो समझना आना जरूरी है, कैसे आएंगी देखो, ये ड्रॉ कर रहा हूं मैं ये, ठीक है, इस पर ये r डिस्टेंस पर हम ले लेंगे x कंपोनेंट, मैंने आपको कहा इधर आता है, y कंपोनेंट इधर आता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर आती है नेट। अब मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो, अब कहा ड्रॉ करना पड़ेगा उसको, ये ठीक, इसको हम ऐसे लेकर जाएंगे इधर के एंड पर है, अब उसे समझ, उधर आ रही है क्या, ठीक है, ये इधर आ रही है, इधर आ रही है, ठीक है, वैसे ड्रॉ करते हैं। बट अब चार्ज कहां पर है उसे समझो, ठीक, देखो चलो उसके उसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, सब लोग समझ लो फिर से, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे समझो। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण यहां पर पाई कर रहा हूं, तो एक्स कंपोनेंट इधर, वाई कंपोनेंट इधर, उसका रिजल्ट मिडवे, ये तो समझ सकते हैं आप, मिडवे एक्ट होता है क्योंकि दोनों इक्वल है, यहां पर भी देखा मैंने दोनों इक्वल है तो इसके मिडवे एक्ट, चलो उसके कारण आप यहां पर फाइंड करेंगे तब डायरेक्शन समझ में आएंगे हमें कैसी, यहां पर ये देखो इसके कारण यहां पर उसका x कंपोनेंट कैसा आएगा, y कंपोनेंट कैसा आएगा, उसका ये हम कहेंगे कि ये y कंपोनेंट इधर, एंड x कंपोनेंट कहां पर आएगा, x कंपोनेंट अब इस लाइन के अलोंग, तो मैंने जैसे यहां पर बताया आपको x एंड ये y,
तो y जो है उसको पैरेलल जो है वो कंपोनेंट देखो दूसरे एंड से दूर है, मतलब उसके अपोजिट हम कहेंगे, इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पर वो कंक्लूजन वो इधर आना चाहिए, मतलब एंड इधर है, नहीं ये एंड इधर है तो y से एक्ट हो रहा है, ये एंड इधर है तो इस एंड के वो अपोजिट एक्ट हो, बराबर? अब क्लियर? वो एक्ट हो रहा है तो यहां पर मुझे बता इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, क्लियर है? मिड में एक्ट होता है इधर इधर, उसका मिड में इधर। अब मुझे बताओ ये मिड में एक्ट होगा तो ये 45-45 होगा, तो इसीलिए एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, क्लियर है क्या? अब बताओ मुझे यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं मैं अंडर रूट, लगे तो उसको E1 E2 कहेंगे या 1 और 3 कहेंगे, E1 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर दोनों इक्वल है क्या? दोनों इक्वल है क्या? तो E1 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऐसे कहेंगे, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर 2 E1 स्क्वायर, E1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट E1, रूट 2 E1, E1 देखो कितना है, E1 मतलब ये रूट 2K लैम्बडा अपॉन R एंड रूट 2 इंटू रूट 2 2K लैम्बडा अपॉन R, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पार्ट्स, लीनियर चार्ज जो है लीनियर पार्ट जो है थर्ड एंड वन के कारण ये हो गया। अब आप मुझे बताओ सोच समझकर अच्छी तरह से, इसके कारण सेमी सर्कुलर आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले डायरेक्शन बताओ कैसे, अवे इधर होगी। अब मुझे बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए मैग्नीट्यूड कितना है, सेमी सर्कल के लिए पॉइंट 2K लैम्डा बाय आर, वेरी गुड ऑनलाइन स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन रखो, ओके। अब ये भी उतना ही है तो 2K लैम्डा अपॉन आर इधर एंड इधर भी 2K लैम्डा अपॉन आर, दोनों है अपोजिट एंड इक्वल, तो नेट फील्ड एट द सेंटर ओ कितना होगा, जीरो होगा, यस नेट फील्ड होगा जीरो, नोट डाउन दिस। नाइन्टी डिग्री ना, तो कैसे यहां पर ये दो इक्वल है कि नहीं, ये एक्स एंड वाई कंपोनेंट इक्वल है कि नहीं, के लैम्डा अपॉन आर के लैम्डा अपॉन इक्वल, तो रिजल्ट कहां है, क्लियर है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्वेश्चन 1 एंड पहले क्या हो गया, अरे बोलो टाइम, अश्विन का क्या कहना है, टाइम ना सर, बर एवढं सांगणे का, बर ये लिख लो, सिर्फ एक एग्जांपल होमवर्क में देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ऑलमोस्ट आपको सैटरडे में टेस्ट बताने वाला हूं, टेस्ट ऑफलाइन रहेंगे, हम ग्रुप करेंगे स्टूडेंट्स के एंड ऑफलाइन टेस्ट देना है आपको, टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, मुझे लगता है पूरा कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त सैटरडे तक, फ्राइडे तक ही, तो आपको जो है वो पूरे टॉपिक का प्रिपरेशन करना है, कल कुछ एमसीक्यूज लेंगे हम इससे रिलेटेड एंड फिर आगे का आर्टिकल लेंगे, ओके क्लियर है, वाई ये लिखना, यस सर, ओके। एक काम कर लो ऑनलाइन स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट निकाल लो एंड मैं एक एग्जांपल सिर्फ होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क के लिए जो एग्जांपल है वो पहले नोट करो, आप भी रुको एक, एक होमवर्क के लिए इक्वेशन नोट करो जिसको आपको होमवर्क करना है, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड
ये सेमी सर्कुलर आर्क है, कौन से आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क, और उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, फाइंड ई ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग एट पॉइंट ओ, सेमी सर्कुलर रिंग शोन इन फिगर, लिख लो लगे तो शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, शोन इन फिगर, शोन इन फिगर एट पॉइंट ओ, तो आप कहेंगे हमने तो ऐसा सॉल्व किया है, सॉल्व किया है आपने, तो बात सही है, लेकिन मैं ऐसे उसमें चेंजेस कर रहा हूं कि उसका जो सेमी सर्कुलर पार्ट जो है ना उसमें से हाफ पार्ट जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज है एंड रिमेनिंग हाफ जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज, ऐसा। तो ये आपको एक एग्जांपल सॉल्व करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, पूरा प्रिपरेशन करके आओ नेक्स्ट लेक्चर में, यम स्क्रूज है, ओके ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच सर, फोर नॉट, क्या हुआ आंसर, रो बाय फोर एप्सिलॉन नॉट, चेक करेंगे कल सर, मॉडल कधी भेटणार आहे, मॉड्यूल सांगतो तुम्हाला, आता हे प्रिंटिंग प्रेस ऑफ झाल्यात त्याच्यामुळे सर, मग क्वेश्चन्स काय सर, क्वेश्चन जे पीडीएफ सेंड करा व्हाट्सअप, जो जो आपको मैं सेंड कर रहा हूँ क्वेश्चंस, जो जो क्वेश्चंस देंगे हम वो आपको वहां पर ग्रुप पर मिल जाएंगे, तो उसको अच्छी तरह से, वो वॉल्यूम्स के जो सभी क्वेश्चंस है जो मैं आपको जितने दूंगा वो क्वेश्चंस आपको होंगे वहां, इधर ही रख देता हूं एक मिनट, जो होमवर्क का बाकी ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑनलाइन है ना, चलो आप ये होमवर्क का एग्जांपल है, ये लिखना अगर बाकी तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, साक्षी स्टार्टिंग का भी बाकी इतना लिखना, पहले ये नोट कर लो आप, पहले के स्क्रीनशॉट लेने, पहले फोटो निकालो, फोटो निकालो पहले से, मैं बता दूंगा क्या Yes. ये ले ले। ये ले। बोलो। Yes, sir. अब ये तो लिखना बाकी आपका, ये इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसका फोटो ले लो, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वही बाकी ना, बाकी का लिखना हो गया ना सबका आपका, हाँ सर, हाँ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको, ठीक है क्लियर है, छोटा रहेगा पूरा आएगा, लिख लो ही, अब ऑनलाइन स्टूडेंट सेंड कर दूं मैं, यस सर, ओके थैंक यू।